क्या सरस्वती को जगदम्बा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जगत की अम्बा। तो जो जगत की अम्बा है वो जगदम्बा सरस्वती को सब नदियों के बीच में लोप नदी दिखा दी है, क्या लोप हो गई। ये गायन किस समय का है, नहीं गायन तो सारे संगम युग के ही है, लेकिन संपन्न स्टेज के गायन है, अंत समय के गायन है, या जब संगम युग शुरू होता है उस समय के गायन है, अंत समय का गायन है। बेसिक नॉलेज का भी जब अंत हुआ तो सरस्वती लोप हो गई, एडवांस नॉलेज का भी जब अंत होने को आता है तो जगदम्बा किसी को दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए सरस्वती नदी को क्या दिखा दिया, गंगा को दिखाते हैं, यमुना को दिखाते हैं, लेकिन सरस्वती को दिखाते नहीं, वो गुप्त नदी हो गई, लोप हो गई। लोप नहीं हो जाती है क्योंकि रुद्रमाला का मुख्य मणका है, क्या रुद्रमाला में जो भी 108 मणके हैं उनमें सुप्रीम सोल के नजदीक मणके कौन से हैं, माँ और बाप। तो जो नजदीक मणके हैं वो शरीर छोड़ करके लोप हो जाएंगे या रहेंगे, रहेंगे ना, उनको तो कंचन काया बनानी है ना कि नहीं बनाएगी, कुछ मणकों की कंचन काया बनेगी, कुछ की नहीं बनेगी, कंचन काया तो सभी की बनेगी, लेकिन वो लोप हो जाते हैं, माने देखने में सबको आते नहीं, लुप्त नदी दिखाई गई है, है तो लेकिन गुफा में दिखाई जाती है, कौन जो देवी है उसको गुफा के अंदर स्वरूप दिखाई, जैसे शिव को एक मंदिर ऐसा बनाया अमरनाथ में कि गुफा के अंदर शिव दिखाया जाता है, ऐसे ही उससे नीचे दूसरा मंदिर है देवी का, उसको गुफा के अंदर दिखाया, वैष्णो देवी। कोई गया कि नहीं वैष्णो देवी, नहीं गया, कोई नहीं गया, अरे ये तो बिल्कुल भक्ति नहीं की, दक्षिण भारत वाले, दक्षिण भारत वाले, दक्षिण भारत वाले वैष्णो देवी जाते ही नहीं कभी, दक्षिण भारत दक्षिण भारत वालों के लिए तो खास वो ये दक्षिण भारत की एक हवाई कंपनी निकली है एयर डक्कन, उसने तो खास यात्रा बना दी है वहां के लिए, क्या वैष्णो देवी के लिए यात्रा जाती है, हाँ कतरा से, दक्षिण भारत कतरा कहाँ पर है, दक्षिण भारत वालों को कुछ पता ही नहीं, है उत्तर भारत वाले ज्यादा भक्ति करते हैं लगता है, तो अब ज्ञान मार्ग में आ गए, रूहानी यात्रा, इसलिए भारत का स्वदेश कह दिया है, हम सिर्फ रूहानी, और दक्षिण भारत वालों को भारत का विदेश कह दिया है, ये भक्ति नहीं करते, अच्छा आखिरी जन्म में भक्ति नहीं करते तो कोई खराब बात थोड़ा ही है, भक्ति कब करनी चाहिए, शुरुआत के आदि के जन्मों में द्वापर युग में या कलयुग के अंत की भक्ति करना चाहिए, शुरुआत हाँ, जिन्होंने आदि में भक्ति की सात्विक भक्ति, वो है श्रेष्ठ भक्त सात्विक भक्त, और जिन्होंने अंत की भक्ति की वो है तामसी भक्त, जिन्होंने तामसी भक्ति की उनको कौन सी प्राप्ति होगी, ज्ञान की तामसी प्राप्ति होगी, और जिन्होंने सात्विक भक्ति की उनको ज्ञान की सात्विक प्राप्ति होती,